धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु आपका गुणगान करते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम, अपनी करुणा, अपनी दया में सदा ही बनाए रखते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम सभी भाई और बहनें मिलके प्रभु आपके नाम से प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। प्रभु हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक बात के लिए, हर एक वस्तु के लिए, अपनी इच्छा को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप हमें अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से सदा बनाए रखें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने जो हमें आशीष दिया है, कि आपने हमारे दिलों को अपने प्रेम से भरा है, आपका धन्यवाद करते हैं कि हम बड़ी विनम्रता से अपने जीवन के हर पहलू में आपका मार्गदर्शन और आपकी उपस्थिति मांगते हैं। हाँ प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि आप हमें शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करें, हम प्रभु अपने शरीर का अच्छा भंडारी बने जो तूने हमें दिया है, और पवित्र आत्मा के मंदिर के समान इसकी देखभाल करूँ। आमीन। प्रभु आपका वचन हमें जो इस सुंदर शरीर को प्रभु अच्छा भंडारी बनने के लायक बनाए, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये शरीर जो आपने हमें दिया है इसमें पवित्र आत्मा आपका निवास बने। हम अपने शरीर को, अपने मन को पूरी तरह से स्वच्छ और पाक रखें प्रभु, कि आपकी उपस्थिति हमारे संग संग बनी रहो, हम में बनी रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपके प्रभु महिमा सदा हम अपने शरीर के द्वारा बन सके। हम अपने कार्य को इस तरह करें प्रभु कि आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु। हाँ प्रभु, आप जो हमें अपनी शांति देते हैं प्रभु, जो हमारे दिल और दिमाग को आप सुरक्षित रखते हो, हमारे दिल और दिमाग को स्थिर रखते हो, ताकि हम सदा ही आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम में प्रार्थना कर सके और प्रभु आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते रहें। इस अनिश्चितताओं के क्षणों में प्रभु हमें आप याद दिलाएं कि आप हमें नियंत्रण करते हैं और हमारा साथ देने वाले आप ही हो, आपकी उपस्थिति हमारी संग संग सदा बनी रहे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कितने भाई बहन आज है प्रभु जो आज धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, आज जिनके धन संपत्ति की घटी कमी है प्रभु, आप उनको अपने स्वर्गीय धन और संपत्ति से परिपूर्ण करते हैं, क्योंकि आप न केवल भौतिक संपत्ति में बल्कि आध्यात्मिक प्रचुरता में भी हम सबको आशीषित करते हैं। जैसा कि आपका वचन कहता है प्रभु, को दूसरों का आशीर्वाद देने, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आपके द्वारा प्रदान किए संसाधनों का उपयोग करने में हमारी सहायता मदद करें। हाँ प्रभु, हम जो भी धन दौलत धन संपत्ति कमाते हैं प्रभु, उन पर आपकी आशीष हो, उन पर आपकी करुणा हो प्रभु, कि वो दिन दुगनी रात चौगनी करें और फले फूले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भाई बहन प्रभु जो रोजगार प्रभु करते हैं प्रभु, उनके काम काज पर आपकी आशीष हो, वो काम धंधे जो भी मजदूर कर रहे हैं प्रभु, आप उनको आशीषित करें, व्यापारियों को वह आशीषित करें, घर काम पे करने वाले गृहणों को सा आशीषित करें प्रभु, कि वो जो धन संपत्ति कमा रहे हैं वो प्रभु आप उनके घर धन संपत्ति को प्रभु स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण करें और दिन दुगनी और रात चौगनी करें, उनके धन की बहुतायात से बढ़ोतरी हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम सबको अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से परिपूर्ण करें प्रभु यीशु मसीह, और हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करें जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो और हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाए। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके बताए वचनों पे सदा दृढ़ रहें, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ से परिपूर्ण रहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपने प्रयासों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं आपसे, जो कुछ हम सच्ची सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी सुधि ले प्रभु, कि आपका वचन कहता है कि सच्ची सफलता में जो कुछ भी करता हूँ उसमें आपकी महिमा करनी हो। हाँ प्रभु, हम अपने कार्य द्वारा आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति और बड़ाई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
प्रभु आप हमारी चिंताओं को, हमारे मन को शांत करने वाले हैं, हमारे हर प्रकार के बेचैनियों को आप ही सुलझाने वाले हैं, हमारा जीवन को सुलझाने वाले आप हैं प्रभु यीशु मसीह। उनके स्थान पर अपनी प्रेम को प्रस्तुत करें प्रभु, जो हमारे सब प्रकार के भय को ख़त्म करते हैं। आज जितने भाई बहन प्रभु अपने भय से पीड़ित हैं, चिंताओं से दुख है प्रभु, आज उनके मन को शांति से भर दे। आप शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद 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 करते हैं कि आप ही हमारे शरण स्थान और गढ़ हैं, हानि और बुराई से हमारी रक्षा करने वाले आप ही हो प्रभु। हमें हर प्रकार के खौफ खतरों मुसीबतों से छुड़ाने वाले और आने वाले हर प्रकार के मुसीबतों से छुड़ाने वाले आप हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें शारीरिक और आध्यात्मिक दो हर तरह की बीमारियों से ठीक करते हैं और हमें पूर्ण स्वस्थ प्रदान करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। हमें स्वास्थ्य को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन प्रभु आज रोग दुख से पीड़ित है प्रभु, दर्द से पीड़ित है प्रभु, उनके मन को प्रभु आज चंगाई से भर दे। आज उनके शरीर के फोड़े फुन से हर प्रकार के दर्द पीड़ाओं को दूर करें, उनके हार्ट को, उनके मसल्स को, उनके हर प्रकार के किडनी को प्रभु यीशु मसीह आप आशीषित करें। आप उनके बेचैनियों को दूर करके उनके मन में प्रभु अपनी चंगाई से भर दे। हालेलुया धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदावर, हमारे चिंगाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हैं हमारे सुधि लेने वाले, हमारे सुनने वाले और हमें चंगाई देने वाले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं, हमारी हर प्रकार के सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए, सारी महिमा आदर आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।